भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सावर योघर आवेगो। भक्ति करना है तो कर्मा बाई जैसी भक्ति कर लेना चाहिए। कोई शिकायत नहीं है कर्मा की, घास की झोपड़ी में रहती है और जगन्नाथ जी का गुणगान गाती है। कोई शिकायत नहीं कि हे भगवान, तुमने ये नहीं दिया, तुमने वो नहीं दिया। सुदामा जी के यहां चार चार दिन चूल्हा नहीं जलता था, पर शिकायत नहीं थी। हे गोविंद, जैसे आपको रखना है आप रखिए, ये समर्पण है। मेरी बातें आपको तब समझ में आएंगी जब आप अपने आप को भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित कर देंगे। सुदामा की तरह, मीरा की तरह, नरसी की तरह, धन्ना की तरह, कर्मा की तरह, सदन की तरह समर्पण। जीवाना जिलाना है तो जिलाओ और मारना है तो मार दो। न जीने का शौक है न मरने का दुख है, न 56 भोग खाने की खुशी है, न नमक रोटी खाने का दुख है, न महलों में रहने की खुशी है, न झोपड़ी में रहने का दुख है। क्योंकि ये शरीर, ये जीवन न मेरा था न मेरा है न मेरा होगा। जिनका था मैं उनका हूं, जिनका है मैं उनके पास हूं, और जिनका होगा वो जाने कि क्या होगा। मैं कौन होता हूं चिंता करने वाला, मैं चिंतन करूं बस। हमारे बिहारी जी हैं ना, उन्हें सबकी चिंता है। बस कोई भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकारे तो सही, समर्पण के भाव से कोई सच्चे मन से पुकारे के हे प्रभु मैं आपका हूं, हे श्याम सुंदर मैं आपको कभी भूलू नहीं। जब दिल से आप कहते हैं ना ये बातें तो भगवान कहते हैं अच्छा तुम मुझे नहीं भूलने का कह रहे हो ना, मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। जब हम कहते हैं हे बिहारी जी मैं आपको कभी भूलू नहीं, तो बिहारी जी भी कहते हैं मैं भी तुम्हें कभी ना भूलू। हे नाथ, अब आप ही बताइए, जब सब कुछ भगवान का है तो मैं घमंड किसका करूं, अकड़ किस बात की रखूं, किस किस को अपना मानूं। संसार को आप कितना भी अपना मानो, संसार कभी आपका हो ही नहीं सकता। इसलिए
एक भगवान के सिवा हमारा कोई था ही नहीं, इसलिए गोपियां सब छोड़कर आ गईं। भगवान कह रहे हैं देवियों जाओ, अपने घर चली जाओ, यहां क्यों आ गई हो, अपने अपने घर जाओ। गोपियां बोली गोविंद क्या आपको छोड़कर भी जाना पड़ता है, आपको ही छोड़कर हम चली गईं तो जाएंगी किसके पास, सबको छोड़ सकती हूं मैं, हे गोविंद आपको नहीं छोड़ सकती, इसलिए संसार से ज्यादा प्रेम ना कीजिए, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक ना एक दिन जग छोड़ के जाना पड़ेगा जगन्नाथ जी के पास, तो आज ही रहो ना उनकी शरण में, जब कल जाना पड़ेगा तो आज ही रह लेने में क्या आपत्ति है, संसार के बनो ही क्यों, बन जाओगे फिर जाना पड़ेगा तो दर्द ज्यादा होगा, बनोगे ही नहीं समस्या ही नहीं है। मैं जिनका था उन्हीं के पास हूं, मैं बिहारी जी का था मैं बिहारी जी के पास हूं, यहां रखा है उन्होंने तो उनकी मर्जी से हूं, जहां भेजेंगे जहां बुलाएंगे, जहां भेजेंगे खुशी खुशी जाने को तैयार हूं। संसार को अपना कभी माना ही नहीं दास ने, इसलिए महान भक्तों का चरित्र हमें सिखाता है कि भक्ति हो प्रेम हो तो भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं है। आज भगवान क्यों नहीं मिलते, क्योंकि आप लोग सच्चे मन से कभी कहते ही नहीं कि हे प्रभु हमें स्वीकार कर लीजिए, आप मानते ही नहीं कि भगवान ही हमारे पिता हैं, भगवान ही हमारी माता हैं, आप तो दुनियादारी में उलझे रहते हैं। हमने हर बार ये बात कही है कि भगवान से बातें दिल से होनी चाहिए, केवल वाणी से मुख से ना हो। मैं कोई भी बात दिल से कहूं, हे श्याम सुंदर मैं आपको कभी भूलू नहीं, ये बातें दिल से हों, हे प्रभु मैं आपकी हूं मैं आपका हूं, हे बिहारी जी हे जगन्नाथ जी मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं, जब ये बात आप दिल से कहेंगे ना तो आपकी आंखों में आंसू आएंगे, बस ये आंसू ही इस बात का गवाह है कि बातें हमने दिल से कही हैं। और भगवान कोई मेवा मिष्ठान के भूखे नहीं है, चढ़ा सको तो श्रद्धा के दुआसु भगवान के चरणों में रोज चढ़ाया करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे श्रद्धा के आंसुओं से। कर्माबाई नाम की एक बेटी थी, पिताजी उसके बहुत बड़े भक्त थे भगवान जी के, एक दिन परदेश जाने लगे, कहा बेटी तुम ही भोजन बना के भोग लगाना। अब चले गए, बेटी भगवान को भोग लगाती पर छोटी सी बच्ची थी, ज्यादा अच्छा भोजन बनाना तो आता नहीं था, खिचड़ी बना करके ले आई, खिचड़ो भगवान जी को भोग लगाया। लोग कहते हैं भगवान तो खाते ही नहीं, अरे खिलाने के लिए कर्माबाई बनना पड़ेगा, खिलाने के लिए जगन्नाथ जी चली गई। अंत में मंदिर के बगल में ही घास की झोपड़ी बनाकर रोज खिचड़ी बनाकर जगन्नाथ जी को खवाती, रोज कहती जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए, जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए।
जगन्नाथ जी रोज जाते हैं कर्माबाई के द्वार पर, और कभी कर्माबाई लेट हो जाए ना खिचड़ी बनाने में तो द्वार पर खड़े होके आवाज लगाते हैं, जल्दी करमा जल्दी करमा, लेट हो रहा हूँ, जल्दी करमा। कहने से उनका नाम ही पड़ गया करमा करमा, जल्दी करमा जल्दी कर। पुजारी जी आ जाएंगे, मंदिर जाना पड़ेगा। जगन्नाथ जी गोद में बैठते हैं और कर्मा बाई अपने हाथ से श्री जगन्नाथ जी को भोग लगाती है। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, अरे खिलाने वाला भी तो कर्मा जैसा हो, सबके हाथ से कैसे खा लेंगे भगवान। जहां प्रेम नहीं है, जहां श्रद्धा नहीं है, जहां भाव नहीं है, अरे जिस घर में प्रेम ना हो उस घर में आप ही नहीं खाते, हम ही नहीं खाते। तो जब बिना श्रद्धा बिना प्रेम के आप और हम नहीं खाते तो बिना श्रद्धा प्रेम के भगवान कैसे खा लेंगे। प्रेम हो तो कर्मा जैसा हो। भगवान कर्मा की खिचड़ी खाते हैं। और एक दिन तो एकादशी के दिन भी कर्मा ने खिचड़ी बनाई और भगवान जी को बुलाया, भगवान जी आए। उस दिन कर्मा बाई जरा लेट हो गई बनाने में और खवाने में। पुजारी जी ने दरवाजा खोला, भगवान माँ की गोद में बैठकर खिचड़ी खा ही रहे थे कि भगवान दौड़कर मंदिर में जाकर बैठ गए। तभी माँ ने रोज खवा के मुंह पोंछती थी कर्मा बाई, अब आज जल्दी भाग गए भगवान, मुंह पोंछना रह गया। तो भगवान के मुंह में एक चावल का दाना लगा रहा। तभी पुजारी जी ने गौर से देखा कि भगवान जी के मुख में चावल का दाना है। देखा तो गर्म भी था अर्थात ताजा था। समझ गए किसी ने मंदिर में घुस के भगवान जी को भोग लगाया, पर घुसेगा कौन, दरवाजा तो बंद था। गांव में मुनादी दिलवाई गई, कौन है जो भगवान जी के मंदिर में घुसा भोग लगाया सवेरे से। कर्मा दौड़ी दौड़ी आई, महाराज में मंदिर में नहीं घुसी, भगवान खुद रोज कुटिया में आते हैं और मैंने खवाया है। लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि भगवान तेरे घर जाके खाएंगे। दूसरे दिन सब ने कहा यदि हमें कल दिख गए खाते हुए तो मानेंगे, वरना तुझे दंड दिया जाएगा। कर्मा बाई रोज की तरह आज भी खिचड़ी बनाती है, जगन्नाथ जी को बुलाती है, भगवान आते हैं गोद में बैठते हैं खवाती है। पुजारी खड़े हैं सब, किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। पुजारी ने कहा कर्मा कहाँ है तेरे भगवान, ये बैठे तो हैं मेरी गोद में खा तो रहे हैं। कर्मा ने भगवान जी से कहा प्रभु क्या आप पुजारियों को दर्शन नहीं दे रहे हैं। भगवान ने कर्मा से कहा क्या बताऊं माँ, ये जो पुजारी लोग हैं, ये जो लोग हैं ना, ये तेरे जैसे शुद्ध मन वाले नहीं, जितना शुद्ध हृदय तुम्हारा है इनका नहीं है, और जिसका हृदय तुम्हारे जैसा निर्मल हो जाए मैं उन्हीं को दिखता हूँ, वरना सबको दिखता नहीं। लोग कहते हैं ना भगवान क्यों नहीं दिखते, अरे देखने के लिए भी हृदय कर्मा सा चाहिए, हृदय कर्माबाई का चाहिए। लाओगे कहाँ से, कहाँ से इतना शुद्ध करोगे। तुम्हारे हृदय में तो ईर्ष्या द्वेष छल ही भरा पड़ा है, इसलिए रोज कहता हूँ निकाल बाहर करो ईर्ष्या द्वेष झूठ कपट निंदा चुगली, मन को शुद्ध करो, शुद्ध अंतःकरण होगा तो इन्हीं आँखों से भगवत दर्शन हो जाएगा। श्री कर्माबाई ने भगवान जी को भोग लगाया और भगवान का दर्शन करते करते उस कर्मा ने प्राण त्याग दिए। कर्मा ने कहा प्रभु इनको दर्शन दो, तब कर्माबाई के कहने से पुजारियों को दर्शन हुआ और कर्मा के प्राण छूट गए। जब कर्मा मरी
तो रोने लगे भगवान जगन्नाथ जी। देखिए भक्त के मरने पर भगवान रो रहे हैं। जगन्नाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। पुजारियों ने कहा, जगन्नाथ जी आप क्यों रो रहे हैं? भगवान ने कहा कि अब कौन मुझे खिचड़ी खवाएगा, कौन मुझे इतना लाड़ करेगा, कौन मुझे इतना कर्मा की तरह बुलाएगा। किसी ने कहा, प्रभु आप तो भगवान हैं, जब आपको कर्मा से इतना ही प्रेम था तो आपने मरने ही क्यों दिया, अमर कर देते उसे। भगवान ने कहा, मेरी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? मजबूरी ये है, ये बहुत बूढ़ी हो गई थी, इसे बड़ा कष्ट था। बूढ़ी हो गई थी, ये संसार है ना, संसार में जो आता है उसे संसार के हिसाब से चलना ही पड़ता है। वृद्धावस्था का दुख तो उठाना ही पड़ेगा, इसलिए मुझसे इसका दुख देखा नहीं गया, इसलिए प्यार करता हूं ना, इसलिए अपने धाम में बुला लिया मैंने कर्मा को। लेकिन रोना इस बात का है, अब मुझे खिचड़ी कौन खवाएगा? सभी पुजारी भगवान के चरणों में गिर के बोले, प्रभु आज से आपको हम सब पहली खिचड़ी कर्मा की ही खवाएंगे। तब से आज तक कई सदियां बीत गईं, आज तक पहला भोग जगन्नाथ जी को कर्माबाई की खिचड़ी का ही लगता है। आज तक कर्माबाई की खिचड़ी से ही ठाकुर जी भोग लगाते हैं। भगवान कोई वस्तु के भूखे नहीं है भक्तों। कौन सी वस्तु है हमारे पास, कौन सी संपत्ति है बताओ जो हम दे सकते हैं भगवान को? कुछ भी नहीं है देने को। दे सकते हैं तो केवल निर्मल मन, वह मन जो हम दे सकते हैं। पर विडंबना तो ये है कि हम वही नहीं देना चाहते, बाकी सब चढ़ा रहे हैं, मेवा मिष्ठान फूल तुलसी सब दे रहे हैं भगवान को। इसलिए भगवान को फॉर्मेलिटी ना की जाए कि भगवान को हम ये चढ़ा दें। अपने आप को समर्पित करना सीखिए, मन को निर्मल कीजिए और उसे भगवान के पास सुरक्षित रख दीजिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। भगवान को पाना बहुत कठिन नहीं है मेरी माँ, बहुत सरल है। कठिन केवल ये है कि आप अपने मन को शुद्ध कर लें, बस। मन को शुद्ध कर पाना कठिन है, भगवान को पा लेना कठिन नहीं है। निर्मल मन जिस दिन हो जाएगा, तारीख जिस तारीख को मन निर्मल हो जाएगा, उसी तारीख को भगवान मिलेंगे आपको। सारी गोपियों को भगवान ने बुलाया, आओ देवियों, और कह दिया जाओ अपने अपने घर को जाओ। गोपियां बोली, अब कहां चली जाएं हम आपको छोड़कर श्याम सुंदर, क्या आपके सिवा भी हमारा दूसरा सहारा है, किसके आश्रित रहे हम, बताइए। सारी गोपियां बोली, बस हमें आपके सिवा कोई नहीं चाहिए। भगवान ने गोपियों को ज्ञान दिया है पति धर्म गृहस्थ धर्म का। गोपियां बोली, हमें एक ही धर्म निभाना आता है, केवल आप का दर्शन, आपकी सेवा, हमें और कुछ नहीं चाहिए। सब छोड़ दिया उन्होंने भगवान के लिए, रास रचाना शुरू किया भगवान ने गोपियों के संग, कि चलो आपने हमें चुना है, ठीक है। जब रास रचाने लगे तो गोपियों को अभिमान आ गया, बस। जैसी अभिमान आया, मैं कितनी सुंदर हूं, देखो भगवान मेरे संग संग घूम रहे हैं। उसी क्षण भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए, श्री राधा रानी को लेकर के चले गए। जब गोपियां देखी कि श्याम सुंदर हमें छोड़कर चले गए हैं, सारी गोपियां विलाप करने लगी हैं, श्याम सुंदर कहां चले गए, हे यमुना तुम ही बताओ हमारे कृष्ण कहां चले गए। देखिए, जहां प्रेम की अधिकता होती है ना, वहां गोपियां रो रही हैं भगवान के लिए। क्यों रो रही हैं गोपियां, क्यों रो रही हैं? इसलिए रो रही हैं क्योंकि उनका प्रेम अधिक है। जहां प्रेम की अधिकता होती है वहां आंसू होते हैं। गोपी रो रही हैं, हे तुलसी तुम ही बताओ हमारे कृष्ण कहां गए। जैसे मछली तड़पती है ना मेरी माँ, ऐसे गोपियां तड़पने लगी, हे नाथ कब दर्शन दोगे, कहां चले गए। अपराध हो गया हमसे कि हमने अभिमान कर लिया। जहां अभिमान होता है ना, वहां पल भर भी भगवान ठहरते नहीं है।